मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा। ऐसे कोई बीमारी नहीं है जो गोमूत्र से ठीक नहीं होती। इवन कैंसर, गले का कैंसर तो बहुत आसानी से ठीक होता है, तो आप उसकी डायबिटीज ठीक करते जाओ। इलाज मैंने बता दिया, सवेरे 25 मिलीग्राम गोमूत्र पीना और एक तास के बाद मेथी दाने को रात में पानी में डालकर सवेरे वो पानी पी के और एक पीछे से मेथी दाना खाना, तो इससे डायबिटीज कंप्लीट क्योर। कंप्लीट क्योर शब्द बात कर रहा हूं मैं, एलोपैथी वाला बात नहीं करता ये। एलोपैथी वाला कहता है कि डायबिटीज कैन बी कंट्रोल्ड बट कैन नॉट बी क्योर्ड। वो कहते हैं कि कंट्रोल तो होती है, क्योर नहीं होती, लेकिन गाय के मूत्र में कंट्रोल कुछ नहीं होता, क्योर ही होता है। आप पूछोगे जी क्या है ऐसा उसमें, गाय के मूत्र में वो केमिकल हैं जो आपके शरीर के इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाते हैं, इंसुलिन को एक्टिवेट करते हैं, पैनक्रियास को एक्टिवेट करते हैं, वो गोमूत्र में है और भगवान का दिया हुआ है, तो इसलिए ये होता है। और मैंने तो डायबिटीज बोला इसलिए क्योंकि बहुत लोग पीड़ित हैं। ऐसा कोई भी रोग मिले आपको, अस्थमा है, अस्थमा, उनको बोलो कि गाय का मूत्र पियो सवेरे 25 मिलीग्राम और पीछे से एक घंटे बाद दालचीनी का पाउडर गर्म पानी के साथ लो तो अस्थमा भी ठीक, महीने सवा महीना। ब्रोंकियल अस्थमा भी ठीक, ट्यूबरकुलोसिस 4 महीने में ठीक। फिर कोई कहेगा कि हमको और भी कुछ बीमारी है, मूल व्याध है, बवासीर है, भगंदर है, उसको कहो कि सवेरे गाय का मूत्र पियो 25 मिलीग्राम और एक डेढ़ घंटे के बाद कपूर खा लो केले में डाल के, केला है ना, केले को छीलो, बीच में कपूर डालो और केला खा जाओ, तो मुश्किल से 15-20 दिन लगता है मूल व्याध बवासीर भगंदर ठीक। फिर कोई कहता है जी मुझको तो बहुत गंभीर बीमारी है, खून नहीं बनता, तो उनसे कहो कि गाय का मूत्र पियो सवेरे सवेरे और रात को गाय के दूध में गाय का तूप मिला के पियो तो खूब खून बनेगा, हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से बढ़ेगा। फिर कोई कहेगा मुझे नींद नहीं आती रात को, तो उससे कहो कि गाय का मूत्र पियो और मेथी दाने का पानी, दोनों से बहुत अच्छी नींद आती है। फिर कोई कहेगा कि मुझे बहुत खराब खुजली हो गई है, दाद हो गया है, खाज हो गई है, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, उसको कहो कि गाय के मूत्र की मालिश करो और सवेरे मेथी दाने का पानी पियो, मेथी दाने के पानी के साथ कड़ू लिम के पान का पानी पी लो तो और जल्दी ठीक होगा। ऐसे कोई बीमारी नहीं है जो गोमूत्र से ठीक नहीं होती। इवन कैंसर, गले का कैंसर तो बहुत आसानी से ठीक होता है। गले में किसी को भी कैंसर हो उसको बोलो गोमूत्र पियो और उसके एक डेढ़ घंटे के बाद वो आता है ना हड़द, ताजा हड़द, उसका 2 चम्मच रस निकाल के पी लो एक डेढ़ घंटे के बाद, अद्भुत काम करता है गले के कैंसर। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जो हमारे लिए औषध के रूप में हम उपलब्ध नहीं। दो ही चीजों का ध्यान रखना, स्वयं पाक घर और गाय का मूत्र, क्योंकि मैंने जो कुछ बोला, मेथी बोला, दालचीनी बोला, हड़द बोला, ये सब स्वयं पाक घर में। स्वयं पाक घर में 148 औषध है, उनका गोमूत्र के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक खराब बीमारी होती है जिसको जॉन्डिस कहते हैं, कामड़ा, इसका सबसे अच्छा है गाय का मूत्र पियो सवेरे और एक डेढ़ घंटे के बाद चूने का पानी दही में मिला के खाओ, तो जो जॉन्डिस को एलोपैथी के डॉक्टर 1 महीने में ठीक करते हैं वो 8-10 दिन में ठीक होते हैं। लीवर सिरोसिस जॉन्डिस से भी ज्यादा खराब डिसीज है, वो भी ठीक होती है। कोई कहता है कि मुझे जलन बहुत होती है, पेट में आग पड़ती है, गैस्ट्राइटिस बहुत हुई है, उनसे कहो गाय का मूत्र पियो और खाना खाने के बाद पानी पीना बंद कर दो तो खराब से खराब गैस्ट्राइटिस ठीक होती है। कोई ऐसी बीमारी नहीं जो ठीक नहीं होती। एक सबसे खराब बीमारी पूरी दुनिया में है गैंग्रीन और ऑस्टियोमाइलाइटिस। गैंग्रीन में आप जानते हैं डॉक्टर क्या करते हैं, जिस भी शरीर के हिस्से में गैंग्रीन हो काट देते, ऑस्टियोमाइलाइटिस में भी काट देते। मैंने ऑस्टियोमाइलाइटिस और गैंग्रीन के पेशेंट खाली गोमूत्र से ठीक किए। और उसका इलाज क्या है, हमारे घर में, सॉरी माफ करिए, बाजार में एक फूल आता है जिसको हम गेंदे का फूल कहते हैं, मैरी गोल्ड, बोटेनिकली कहते हैं कैलेंडुला, मराठी में कहते हैं झेंडू का फूल। ये जो झेंडू का फूल है अद्भुत है, इसकी चटनी बनाओ गोमूत्र में और वो चटनी को गैंग्रीन जहां है उस हिस्से पे लगाओ या ऑस्टियोमाइलाइटिस, 3-3.5 महीने लगातार करो, कंप्लीट क्योर होता है गैंग्रीन बिना कट किए, बिना एम्प्यूटेशन।
आंख की एक बहुत गंभीर बीमारी है, उसका नाम है रेटिनल डिटेचमेंट, जिसमें एलोपैथी के डॉक्टर ऑपरेशन करने से भी डरते हैं क्योंकि गारंटी नहीं है कि रोशनी आएगी। लेकिन रेटिनल डिटेचमेंट में सिर्फ इतना कि गाय के मूत्र को दो दो थेम आंख में डालो, महीने सवा महीने में रेटिनल डिटेचमेंट ठीक होता है। अगर कैटरेक्ट है तो कैटरेक्ट डिसॉल्व होता है, आंखों का चश्मा उतारना है तो वो चश्मा उतर जाता है। कोई आई अगर गर्भावस्था में है तो सामान्य रूप से क्या होता है, गर्भावस्था पूरी होने के बाद बच्चा हो जाता है, उसके बाद गर्भाशय की तकलीफ होती है, गर्भाशय डिस्प्लेस हो जाता है अपने स्थान से अलग। अब डॉक्टर्स के पास उसका इलाज नहीं है, ज्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि गर्भाशय को ही काट के निकाल देते हैं, ये इलाज नहीं है, उसको वापस उसके स्थान पर स्थापित करना है। इसमें गोमूत्र सबसे अच्छी दवा है। गोमूत्र पिलाओ और उसको बोलो कि मेथी के लड्डू बना के खाए। हाँ, गर्भावस्था पूरी होने के बाद बच्चा हो जाएगा तो फिर मेथी के लड्डू गुड़ के साथ बना के खाए, थोड़ा गोमूत्र पिए तो गर्भाशय अपने स्थान पे वापस आ जाता। और किसी आई को गर्भावस्था अगर प्रारंभ हुई है तो उसको बोलो कि रात को एक गिलास गाय का दूध तूप मिला के पिए गाय का, और सवेरे गाय के दूध का दही बनाकर केले के साथ खाए, तो कभी भी जीवन में सिजेरियन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना सिजेरियन बच्चा होगा। और उस बच्चे को अपनी जिंदगी में कभी हेपेटाइटिस के इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पोलियो के वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जीवन पर्यंत स्वस्थ होगा। तो ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि शहर के लोगों में जो कुतर्क घुस गया है ये दूर करने में बहुत मदद करता है।